नागौर की नावा नगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय 17 पार्षदों ने बीजेपी के चेयरपर्सन स्वाति बंसल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने बीजेपी की पार्षद को 2 माह के लिए पालिका अध्यक्ष का चार्ज दिया था और उपचुनाव की तारीख तय की। लेकिन पालिका के 20 पार्षदों में 8 कांग्रेस, 8 बीजेपी और 4 निर्दलीय हैं, जिनमें अविश्वास प्रस्ताव में 8 कांग्रेस, 5 बीजेपी, 4 निर्दलीय शामिल रहे, जिसमें कांग्रेस को 11 मत और बीजेपी को 8 मत प्राप्त हुए और कांग्रेस की सरिता गोधा 3 मतों से विजयी हुई। रिटर्निंग अधिकारी हरि सिंह लामबोरा ने चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराकर विजयी अध्यक्ष को प्रमाण पत्र सौंपा। आज का ये रिजल्ट मेरे सब पार्षद भाइयों का जो ये नतीजा, जब 17 पार्षद साथ में थे और अभी जो साथ में सत्ता पक्ष का जो है रिजल्ट के हिसाब से, मतलब आज ये पोस्ट हमारी कांग्रेस के हाथ में आएगी है सत्ता, तो हमारे के आने वाले दिनों में बस ये रहेगा कि हम सब पार्षद मिलकर एक साथ काम करें। यहाँ के पूर्व विधायक और जितनी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से खड़ी रहकर जिस प्रकार से उन्होंने कोशिश करी, उनको मुंह की खानी पड़ी। और नावा के अंदर आज लगभग 40 साल के बाद के अंदर कांग्रेस का चेयरमैन मिला है। हम लोग प्रयास करेंगे, कांग्रेस पार्टी हमेशा मतदान का जो भी है उसका शुभ संकेत राजस्थान के अंदर आज इस नावा से